बाबर आजम पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान रहेंगे या नहीं, इसका फैसला आइंदा चंद घंटों के अंदर हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के व्हाइट बॉल फॉर्मेट के हेड कोच गैरी क्रिस्टन और असिस्टेंट कोच अजहर महमूद साहब पाकिस्तान पहुंच चुके हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हर ऑफिशियल्स के साथ उनकी मीटिंग होने जा रही है, जिस मीटिंग के अंदर तीन चीजें डिस्कस की जाएंगी। यही चीजें जो है वो अब तक मीडिया के ऊपर रिपोर्ट हो रही हैं, लेकिन इंटरेस्टिंगली गैरी क्रिस्टन की रिपोर्ट के बाद एक खुफिया रिपोर्ट जिसके बारे में सिर्फ और सिर्फ चेयरमैन पीसीबी को पता है कि वो कौन सा ऐसा साबिक क्रिकेटर है जिसने सजेशंस पुट अप की हैं, और इस रिपोर्ट के अंदर लिखा गया है ये भी जनाब जो गैरी क्रिस्टन प्लस अजहर महमूद की मीटिंग होगी मोहसिन नकवी और पीसीबी के हायर ऑफिशियल्स के साथ वहां पर डिस्कस की जाएगी, जिसके बाद यह कहा जा रहा है कि जनाब बाबर आजम की कप्तानी भी खतरे में है और इसके अलावा तीन ऐसे क्रिकेटर्स हैं जिनके नामों के आगे कांटा जो है वो लगा दिया जाएगा और नियर फ्यूचर में वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। सो ऑल इन ऑल इस वक्त जनाब जो बड़ी सर्जरी के हवाले से बड़ी अपडेट्स है वो क्या है, ये आज की वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस करनी है, लेकिन उससे पहले दो तीन चीजें जनाब बड़ी इंपॉर्टेंट हुई हैं। नंबर वन, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान ने होस्ट करनी है, थोड़ी थोड़ी अपडेट्स उसकी सामने आ रही थी। पहले यह पता चला कि जनाब 19 फरवरी को चैंपियंस ट्रॉफी 2025 शुरू होगी, 9 मार्च को इसका फाइनल खेला जाएगा, और अगर 9 मार्च को बारिश हुई या किसी और वजह से मैच जो है वो कंप्लीट ना हो सका तो फिर 10 मार्च को रिजर्व डे के ऊपर जो फाइनल के रिमेनिंग ओवर्स होंगे वो कंप्लीट किए जाएंगे। बाद में जनाब जो ग्रुप्स हैं वो हमारे सामने आए कि ग्रुप ए के अंदर पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया और न्यूजीलैंड है, जबकि ग्रुप बी के अंदर अफगानिस्तान, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और एक और मुल्क है यार मेरे जहन से नाम निकल गया है, ऑस्ट्रेलिया, ये चार मुल्क हैं। अब जो नया स्केड्यूल सामने आया है, नया शेड्यूल सामने आया है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का, इसको देखकर भारतीय मीडिया इस वक्त यह कह रहा है कि जनाब पाकिस्तान ने बड़ा बेहतरीन शेड्यूल जो है वो तरतीब दिया है और पाकिस्तानी ऑडियंस की आंखों में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जनाब जो धूल है वो झोंकी है। मैंने रिसर्च करनी शुरू की, मैंने कहा देखा जाए कि जनाब पीसीबी ने वाकई क्या जो पाकिस्तानी क्रिकेट से मोहब्बत करने वाले लोग हैं उनकी आंखों में धूल चौकी है। एक जानिब कहते हैं कि जनाब भारत के मैचेस जो हैं वो लाहौर के अंदर खेले जाएंगे, तो दूसरी जानिब जो स्केड्यूल है उसमें हाइब्रिड मॉडल के तहत जो चीजें हैं वो फाइनल की गई हैं। तो फिर मैंने जनाब अपने जो घोड़े हैं वो भी दौड़ाए, तो मुझे पता चला कि जनाब जो चीज इस वक्त भारतीय मीडिया के ऊपर चल रही है ना उसका हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। और इस दफा चूंकि जो ज्यादातर मुल्क हैं वो पाकिस्तान के एंड पर खड़े हैं और ज्यादातर मुल्क की बजाय अगर नंबर्स जो फिंगर्स हैं उनके ऊपर नंबर्स काउंट कर लिए जाएं तो पाकिस्तान समेत 6 मुल्क इस वक्त पाकिस्तान के कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, जबकि भारत के साथ सिर्फ भारत है और इसके अलावा समहाउ ये भी 100% नहीं है लेकिन समहाउ अफगानिस्तान जो है वो जनाब खड़ा है इंडिया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर। सो भारत के फेवर में 2 वोट हैं भारत प्लस अफगानिस्तान, जबकि पाकिस्तान के फेवर में इस वक्त 6 वोट हैं, पाकिस्तान प्लस न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, बांग्लादेश। सो इसी वजह से जो आईसीसी है वो इस दफा भारत को ये कहेगा, बल्कि एशिया कप 2023 की एग्जाम्पल दी जाती है, तो एशिया कप में और आईसीसी के इवेंट में फर्क है। आईसीसी 2023 में भारत को जनाब ऑर्डर नहीं दे सकता था कि आप जाएं और पाकिस्तान जाकर खेलें, ये बात नोट कर लें, लेकिन अब आईसीसी का इवेंट है, आईसीसी ने जब पाकिस्तान के साथ जनाब होस्टिंग एग्रीमेंट साइन किया था तो पाकिस्तान ने इनिशियली साइन करने से इनकार कर दिया था क्योंकि पाकिस्तान ने कहा कि इसमें हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं वो एड्रेस नहीं किए गए। बाद में 3 क्वेश्चन पाकिस्तान ने सामने रखे थे, नंबर 1 ये कि चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो मुकम्मल पाकिस्तान के अंदर खेली जाएगी और चैंपियंस ट्रॉफी से पहले सिक्योरिटी रिव्यू जो है वो की जाएगी, अगर किसी मुल्क ने सिक्योरिटी रीजंस की वजह से पाकिस्तान के अंदर खेलने से इनकार किया तो फिर यूनिलैटरल डिसीजन जो है वो नहीं लिया जाएगा बल्कि एक न्यूट्रल एजेंसी जो है वो न्यूट्रल होकर जो सिक्योरिटी है उसको रिव्यू करेगी और उसकी रिपोर्ट के बाद
जो चीजें हैं वो फाइनल की जाएंगी। सो जब छह मुल्क पाकिस्तान के अंदर आकर खेलने के लिए तैयार हैं तो फिर सातवां मुल्क भारत उसके पेट में किस किस्म के कीड़े तंग कर रहे हैं, ये आईसीसी उनको कहेगा कि भाईजन बंदे के पुत्र बने, कहीं हमने भी अपनी इज्जत रखनी है तो हमें हमारी इज्जत बड़ी प्यारी है, आप जाएं और पाकिस्तान जाकर खेलें। और पिछले चंद दिनों में कुछ अपडेट्स ये भी थी कि अगर भारत खेलने से इनकार करेगा, जिस तरह से वर्ल्ड कप 2023 के हवाले से भारतीय मीडिया ने यह फार्मूला हमें बताया था कि अगर पाकिस्तान इनकार करेगा तो पाकिस्तान के ऊपर ना सिर्फ पाबंदी लगेगी बल्कि जो वर्ल्ड कप क्वालिफायर में तीसरे नंबर की टीम है वो जनाब वर्ल्ड कप हमें खेलती हुई नजर आएगी। तो अब जनाब सेम सिनेरियो रिपीट होगा, जो पॉइंट्स टेबल के ऊपर नौवें नंबर की टीम थी श्रीलंका वो फिर भारत को रिप्लेस कर लेगी। सो भारत के पास ऑप्शन है कि या तो वो पाकिस्तान के अंदर आकर खेलें या फिर जनाब उनके ऊपर पाबंदी लगेगी और वो चैंपियंस ट्रॉफी से किक आउट कर दिए जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड श्योर कर रहा है और चीजों को जिस तरह से लेकर चल रहा है कि भारत पाकिस्तान आकर खेले, और जो स्केड्यूल तरतीब दिया गया इसमें अगर मैं जल्दी जल्दी आपको बताऊं तो 19 फरवरी को पहला मैच खेला जाएगा पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड कराची में, देन 20 को बांग्लादेश वर्सेस इंडिया लाहौर के अंदर खेला जाएगा, 21 फरवरी को अफगानिस्तान वर्सेज साउथ अफ्रीका मैच है कराची के अंदर, देन 22 को ऑस्ट्रेलिया वर्सेज इंग्लैंड खेला जाएगा लाहौर के अंदर, देन 23 को न्यूजीलैंड वर्सेज इंडिया अगेन लाहौर के अंदर, देन 24 को पाकिस्तान वर्सेज बांग्लादेश रावलपिंडी के अंदर मैच खेला जाएगा, 25 को अफगानिस्तान वर्सेज इंग्लैंड होगा लाहौर के अंदर, जबकि 26 को ऑस्ट्रेलिया वर्सेज साउथ अफ्रीका अगेन रावलपिंडी के अंदर खेला जाएगा, देन 27 को बांग्लादेश वर्सेज न्यूजीलैंड लाहौर के अंदर, 28 फरवरी को अफगानिस्तान वर्सेज ऑस्ट्रेलिया रावलपिंडी के अंदर मैच खेला जाएगा, और 1 मार्च को इंडिया वर्सेज पाकिस्तान द मदर ऑफ ऑल मैचेस खेला जाएगा लाहौर के अंदर, जबकि 2 मार्च को साउथ अफ्रीका वर्सेज इंग्लैंड मैच खेला जाएगा रावलपिंडी के अंदर, जबकि पहला सेमीफाइनल कराची के अंदर खेला जाएगा 5 मार्च को और दूसरा सेमीफाइनल खेला जाएगा 6 मार्च को रावलपिंडी के अंदर। लेकिन अगर भारतीय टीम क्वालिफाई कर जाती है सेमीफाइनल के लिए तो जिस तरह से उनकी रैंक बेस कर रही होगी तो उनका जो सेमीफाइनल है अगर रावलपिंडी के अंदर बन रहा हुआ तो रावलपिंडी की बजाय वो लाहौर के अंदर खेला जाएगा, और अगर उनका सेमीफाइनल नंबर 1 बन रहा हुआ जो कराची के अंदर खेला जाना है तो उनको जनाब लाहौर के अंदर जो सेमीफाइनल नंबर 1 है वो शिफ्ट कर दिया जाएगा, जबकि जो फाइनल है वो जनाब 9 तारीख को खेला जाएगा लाहौर के अंदर और 10 मार्च को रिजर्व रखा गया है अगर किसी वजह से जो फाइनल है वो 9 मार्च को कंप्लीट नहीं हो पाता। सो ये चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से खबर थी। अब आते हैं जनाब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से। गैरी क्रिस्टन साहब लाहौर आए और गैरी क्रिस्टन की रिपोर्ट के हवाले से जो उन्होंने सबमिशन पहले ही कर दी हुई है पीसीबी के चेयरमैन को, उस रिपोर्ट को भी अगर स्टडी किया जाए मीटिंग से पहले तो उस रिपोर्ट के अंदर 3 चीजें डिस्कस की गई थी, फिटनेस लेवल, डिसिप्लिन इश्यूज और गेम अवेयरनेस। अब ये तीनों चीजें जो थी ये बाबर आजम के साथ लिंक नहीं थी। हाँ, डिसिप्लिन इश्यूज को आप लिंक अप कर सकते हैं, लेकिन बाबर आजम की बजाय कुछ और नाम भी थे जो इस वक्त कप्तान बनने के उम्मीदवार हैं और बड़े बड़े दावे उनके हवाले से किए जा रहे हैं, बल्कि एक जगह पर मैं सुन रहा था कि मोहम्मद रिजवान को कप्तान बनाया जाएगा और उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी कि शाहीन प्लस बाबर के दरमियान जो फड्डा है ना उसको उन्होंने सॉर्ट आउट करना है। तो मैं परेशान हुआ, मैंने कहा यार ये बंदे यहां से क्यों नहीं सोच रहे, अगर तो इनके दरमियान फड्डा सॉर्ट आउट होना होता तो तीनों को मैनेज करती है साया कॉरपोरेशन, तो बाबर प्लस शाहीन का फड्डा साया कॉरपोरेशन खत्म क्यों नहीं करवा पाई। ये फड्डा खत्म नहीं होगा, ये फड्डा अब चलेगा। जिस तरह से वो कहा जाता है ना कि 90s के दौर में पाकिस्तान की टीम में ड्रेसिंग रूम के अंदर 5-5, 6-6 कप्तान बैठे होते थे और हर कप्तान दूसरे कप्तान की जो टांगे हैं वो खींच रहा होता था, और फिर यूनस खान की जो रिसेंट स्टेटमेंट आई है उन्होंने कहा कि 2003 में भी सेम सिनेरियो था और जब पाकिस्तान पता है वो फर्स्ट राउंड में बाहर हुआ था, तो उन्होंने कहा कि हम सीनियर प्लेयर्स ने एक जगह पर बैठकर सोचा कि अब हमने पाकिस्तान क्रिकेट को कैसे बेहतर करना है। फिर उन्होंने कहा कि हम बड़े बड़े नाम जो थे यूसुफ की उन्होंने एग्जाम्पल दी, अपना नाम दिया, इसके अलावा 2-4 और नाम बोले, उन्होंने कहा कि हम कप्तान को हेल्प आउट किया करते थे लेकिन बाबर के पास कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं है जो उस तरह से हेल्प आउट कर सके। सो बाबर आजम की कप्तानी अंडर क्वेश्चन तो है, और गैरी क्रिस्टन की रिपोर्ट से ज्यादा मुझे लगता है कि वो जो खुफिया रिपोर्ट है ना उसके अंदर कहा जाएगा कि बाबर को कप्तान ना रखा जाए, क्योंकि राशिद लतीफ भी कह चुके हैं कि बाबर अगर मजीद कप्तानी करेंगे
तो पाकिस्तान क्रिकेट के साथ और अपने साथ वो मजीद ज्यादा करेंगे। सो बाबर आजम को कप्तानी से हटाया जाएगा, फिर उनकी जगह कप्तान कौन होगा? मुझे जो लगता है, जो रिसेंट अपडेट्स हुई हैं उनके मुताबिक शान मसूद फेवरेबल कैंडिडेट हैं, मोहम्मद रिजवान से भी ज्यादा उनके चांसेस हाई हैं। सो शान मसूद को कप्तानी बना दी जाए, कप्तान बना दिया जाएगा, या फिर यह भी हो सकता है कि किसी यंगस्टर को कप्तान बना दिया जाए, और जो बड़े बड़े नाम जिनके ऊपर डिसिप्लिन इश्यूज हैं इनको कहा जाए कि भजन आप जरा बैठें, रेस्ट करें, अपने मामला जो हैं वो सॉर्ट आउट करें, और अगर सॉर्ट आउट नहीं करने तो फिर खेलें आप क्रिकेट डोमेस्टिक लेवल के ऊपर या लीग क्रिकेट जाकर खेलें, उसके बाद देखेंगे आपकी परफॉर्मेंस किस पाए की है और आपको टीम के अंदर इंक्लूड करना है या नहीं करना। सो ये जो स्टेप्स हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बड़े ले सकते हैं। इसके अलावा जो जनाब मीटिंग के अंदर आप डिस्कस किया जाएगा उसमें लीडरशिप रोल्स भी है, प्लस फिटनेस प्रोटोकॉल्स हैं, देन पोटेंशियल चेंजेस इन द टीम कंपोजिशन भी हैं, टीम तब्दील की जाएगी। तो इसमें आजम खान फिटनेस इश्यूज, अब वो तो पाकिस्तान क्रिकेट के नजदीक खटकते और भटकते हुए हमें नजर नहीं आएंगे। दूसरा इसमें यह है कि इफ्तखार अहमद के जो चांसेस हैं वो भी बहुत कम है कि वो अब नियर फ्यूचर के अंदर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें। सो इफ्तखार भी खुडे लाइन लगा दिए जाएंगे। इसके अलावा शादाब खान, इनके हवाले से भी ये कहा जा रहा है कि इनको भी जो अगली सीरीज पाकिस्तान अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया खेलेगा इन ऑस्ट्रेलिया व्हाइट बॉल फॉर्मेट की, उसमें जगह नहीं मिलेगी। सो इनकी जगह पर जो जनाब लेग स्पिनर हैं इब्रार अहमद, वो उसामा मीर या अब्दुल कादिर जो हैं उनको चांस दिया जाएगा। सो ये तीन तब्दीलियां जो हैं वो मिनिमम होती हुई हमें नज़र आ रही हैं। सो अब बाबर आजम कप्तान रहते हैं या नहीं रहते ये तो जनाब आइंदा चंद घंटों के अंदर हमें पता चल जाएगा, और अगर कप्तान नहीं भी रहे तो फिर भी जनाब जो बाकी फैसले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हायर ऑफिशियल्स मीटिंग के अंदर लेंगे वो देखने वाले होंगे, और उन फैसलों का इम्पैक्ट पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर जनाब क्या पड़ेगा ये डिटेल्स में जनाब वो फैसले आने के बाद आपके साथ शेयर करूंगा। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।